नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट। जिला गौतम बुद्ध नगर में 11 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अपनी तैयारी में जुटा है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मतदाता स्थल का निरीक्षण भी किया जा चुका है। वहीं आज गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी बीएन सिंह और नोएडा एसएसपी वैभव कृष्णा ने नोएडा में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अपनी तैयारी में जुटा है। श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसा उसका फायदा उठाते हैं, नाबालिग भी फायदा उठाते हैं, तो वो ऐसा कोई कार्य ना करें। दूसरा, जो हम लोगों के पिछले इलेक्शंस में लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनपे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की जिन्होंने कोशिश की थी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। व्यापक स्तर पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। MCC जब से लगी है 10 जनवरी से अभी तक करीब करीब 12 गैंगस्टर एक्ट के नए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जो 2018 में या पहले हुए हैं वो तो भारी संख्या में है। इस जनपद पे हैं ही, जब से MCC लगी है तब से भी गैंगस्टर एक्ट के काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। अवैध शराब काफ़ी पकड़ी गई है और अवैध तमंचे शस्त्र काफ़ी पकड़े गए हैं। इस जनपद में कैश सीजर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, करीब करीब 2 करोड़ के करीब कैश अभी तक सीज हो चुका है, 2 करोड़ से थोड़ा सा कम है। जो कैश वैंस होती हैं, जो बैंक्स की गाड़ियां होती हैं, वो भी अगर RBI की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगी तो वो भी सीज की जा रही हैं, उन पर भी FIR लिखी गई है। कल हम लोगों ने कुछ फॉरेन करेंसी भी जो है वो सीज की है, जिसके संबंध में जाँच प्रचलित है। हालाँकि संभवतः वो किसी एक्सपोर्टर का पैसा है, लेकिन जाँच उसमें अभी की जा रही है। और भी रिकवरीज हुई हैं, जैसे कि अवैध शराब की और गाड़ियाँ कई सीज हुई हैं और लूट वूट की भी कई गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। तो व्यापक स्तर पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये सतत कार्रवाई है, चलती रहेगी जब तक इलेक्शन शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, तब तक चलती रहेगी। इलेक्शन वाले दिन हम लोग टेक्निकल रिसोर्सेज भी अपने यूज़ कर रहे हैं कानून बनाने के लिए, जैसे व्यापक ड्रोन कैमरे जो है उनकी व्यवस्था की जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।